हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। छोटे खाएं, बड़े खाएं, बहुत ही पसंद से खाने वाले, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर चैनल पर यहाँ पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं एक बर्तन, उसमें डालेंगे मखाने। हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है, यानी ऑयल, घी, बटर कुछ नहीं डालना है। और यहाँ पर धीमी आँच रखना है, गैस की फ्लेम धीमा करके रखना है और इसको चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भून लेना है। अब इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। ये भून के रेडी हो गया है मखाने। अब इसको साइड कर लेंगे, एक बाउल पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे लेते हैं पैन, उसमें डालेंगे 3 चम्मच के तकरीबन ऑयल। आप बटर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने यानी पीनट्स। अब इसको अच्छे से भून लेना है ऑयल में ही, क्रिस्पी होने तक। यहाँ पे डालेंगे इसी में करी पत्ता और थोड़ी सी हींग, इसको भी ठीक से भून देंगे। यहाँ पे डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू, अखरोट और बादाम। यहाँ पे कुछ सीड्स डालेंगे, यानी वाटरमेलन सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं और तरबूज सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं। आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, नहीं तो आप ओनली ड्राई फ्रूट से ही बना सकते हैं। और यहाँ पे थोड़े से किशमिश, इनको भी अच्छे से भून लेना है 5 से 6 मिनट तक। चलाते रहना है, फ्लेम को धीमा करके रखना है, नहीं तो ये जल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, इनमें अच्छा सा कलर आ गया है, अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़े से कुछ मसाले। यहाँ पे 1/2 चम्मच के तकरीबन मैंने लिया है हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब ही लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर और चाट पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे डाला है मैंने 1 चम्मच के करीब पेरी पेरी मसाला। अब इन ड्राई फ्रूट्स के साथ ही मसालों को अच्छे से भून लेना है। चलाते हुए अब इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई रोस्ट किए हुए मखाने, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साल्ट, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप इसको बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं एक कांच का डब्बा, अब उस पर डाल के हम स्टोर करके रख सकते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं खाने के साथ।